और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल आसनसोल की पॉपुलर स्मार्टफोन स्टोर सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल एसडी मोंटेसरी स्कूल अंडर सीबीएसई बोर्ड आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फर्नीचर वर्ल्ड स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत एक बुजुर्ग व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का आरोप लगा एक युवती सहित अन्य तीन युवकों पर सही सुना आपने यह दर्दनाक घटना की चश्मदीद गवाह रही इंदिरा देवी ने बताया कि युवती ने बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर फोटो खींचने का आरोप लगाया जिसके बाद उसके साथ मौजूद युवक ने फोन करके दो अन्य युवकों को बुलाया और चारों ने मिलकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर इतना पीटा कि अस्पताल ले जाने के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। यह घटना आरा डंगाल की है और मृत व्यक्ति का नाम अमर सिंह बताया जा रहा है जो 65 वर्षीय के थे। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वह युवती उसी इलाके की है लेकिन लड़के दूसरे इलाके के हैं। ऐसे में एक सवाल जो सामने आ रहा है कि आखिरकार उस फोटो में ऐसा क्या था जिसके बाद अमर सिंह को उन लोगों ने इतनी बेरहमी से पीटा। हालांकि लोग निश्चित तौर पर इस सवाल का कुछ भी उत्तर देने में असमर्थ है। घटना के बाद से ही वह युवती और तीनों युवक फरार बताए जा रहे हैं। अमर सिंह की पत्नी मीरा सिंह आसनसोल दक्षिण थाना में शिकायत करने पहुंची और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की उन्होंने मांग की है। घटना की खबर सुनते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उनके अलावा वार्ड पार्षद मोमिता बिस्वास, उनके पति राजू बिस्वास, युवा नेता चंकी सिंह मौके पर पहुंचे, साथ ही पार्षद शिखा घटक मृतक अमर सिंह के घर पहुंची। युवा नेता चंकी सिंह ने कहा कि हीरोइन गांजा सहित बहुत सारी दो नंबरी काम यहां की जाती है जिसके लिए उन्होंने पुलिस से रेड मारने का अनुरोध किया। वहीं आसनसोल जिला अस्पताल में सब को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया जिस दौरान भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पहुंचे। अस्पताल में मौजूद अमर सिंह के भाई विजय सिंह ने बताया कि अमर सिंह को पिटाई के बाद से ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी जिसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने पार्षद और पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि दोबारा ऐसी दर्दनाक घटना किसी और बुजुर्ग के साथ न घटे। 20 মিনিট মে লোকটা ওখানে বসে ছিল চৌতরা আছে ওখানে বজরংবলী কে মন্দির আছে ওখানে বসে ছিল মে ওখানে ছিল ছেলে আবু বেচারা তো মরে গিয়েছে কি বলবে কি না ও তো বলতে তো আসবে না আব ই মেয়েটা বলছে কি আমার ফটো তুলেছে তা ফটো কেন তুলেছে মেয়েটা আগে কিছু করতে দেখলো নোংরা কাজ কি কি ও তো মরে গেছে তো এ বলবে আর মে বলবে আবু ছেলেটা ডাকলো আপনা বন্ধুক লোকে তাড়াতাড়ি আসো এখানে একটা বুড়া ফামিলিকে ছবি নিয়েছে দুটা ছেলে আসেছে দুটা ছেলে লাল বাইক সে আসেছে আর ওই বুড়াকে খাইতে 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 ওই বুড়াটাকে মারে মুখে রক্ত নাকে রক্ত কান দিয়ে রক্ত তব ওকরা লাগে পাতে জলদি জলদি দিয়ে গিয়েছে হসপিটাল শনি মন্দির কাছে যায় মরে গেল লোকটা কি দিয়ে মেরেছে হ্যাঁ দেখুন এসে মারেছে আর এসে এমনি এমনি করে মারছে মুংরা মতন ছিল এখানে বহু ভাত হয়েছিল ওদিনকে মুংরা পায়ে গেল মেয়েটা দু তিন মুংরা পিঠ এখানে মারে দিল আপনার নাম বলুন ইন্দিরা দেবী নাম ধরে ডাকছে তখন এ কি করলো এর মায়েরা ইনহেলারটা নিয়ে এসে দিল তাতেও কোনো কিছু হলো তখন অলরেডি মুখ দিয়ে গাঁজা রক্ত দুটোই বেরোচ্ছে এইখানটা ফুলে গেছে হ্যাঁ বুকের বুকটা দেখাচ্ছে মানে বুকে মেরেছে দেখাচ্ছে পাগুলো মেশ মানে অনেকটা যে দৌড়ে করিয়েছে পায়ের পুরো ধুলো মাখানো শরীরে দাঁতে দাঁত লেগে গেছিল তাড়াতাড়ি আমার হাজবেন্ড এবং এরা সবাই মিলে যখন অটো করে নিয়ে হসপিটালে গেল তখন উনি মারা গেছে কে মেরেছে কে মেরেছে মানে কি আমরা দেখি না আমরা তো দেখিনি যে কে মেরেছে কিন্তু ওই মেয়ে মেয়ে
আমাদের ওই যেখানে ওনার বাড়ি সেই সামনেটাতে এসে বলছে এই রাস্তাটা খুব বাজে রাস্তা, এই রাস্তায় চরিত্রহীনরা থাকে, এটা তো ঠিক না। তাহলে আমাদের স্বামীদের সিকিউরিটি কি থাকলো? তাহলে ভোটটা চেয়ে দেখুন, আমরা জানি না, আমরা এসেছি, আমরা শুনছি ওকে মারধর করেছে, ওই ফটো তোলা নিয়ে কিছু বোধহয় কেস হয়েছে, ফটো ফটো তুলেছে তো ওকে মেরেছে, এইটুকু শুনলাম আমরা। এবার তো এখানে যা মারেছে তার মাকে ধরে রেখেছে পাড়ার সবাই। হ্যাঁ, ওর মেয়ে ছিল আর বোধহয় আরও কয়েকটা ছেলে নিয়ে এসেছিলো বাইরে থেকে, এইটুকু জানি আমরা খবর। ও বললো মনে হয় ফটো তোলার নিয়ে কিছু কেস কিছু একটা হতে পারে, আমি ডিটেলস ঠিক জানি না আমরা। আমি যেটুকু দেখেছি ওর ভদ্রলোক খুব ভালো, কারোর সাথে কোনো ঝুটঝামেলা থাকে না, এখানে আসে পেপার পড়ে, ঠাকুরের ভক্তি গীতি গান শুনে মোবাইলে, এইটুকু জানি। আমার নাম জয়দীপ কর্মকার। বিশেষ কিছু জানি না, এইখানে কি মারপিট হয়েছে সেটাও জানি না, কিন্তু ঘরে দৌড়ে গেছে নিয়ে ওইখানে পড়ে গেছে, নিয়ে বলছে আমার হাটে ইয়ে হচ্ছে, দম আটকে আসছে, এই হচ্ছে, ব্যথা করছে, এইসবই বললো। আর মেয়েটা এসে বলছে এই ফটো তুলেছে, ওই ফটো তুলেছে, তারপরে মেয়েটা পালিয়ে গেছে, ততক্ষণ তো ওই গাড়িতে তুলে হসপিটাল নিয়ে যেতে মারা গেছে, এখন হসপিটালের মধ্যেই আছে, বাইরে ভেতরে ঢুকায়নি, যেহেতু পোস্টমর্টম করতে হবে বলে ওরা ভেতরে ঢুকায়নি। চার পাঁচজন ছিল, হ্যাঁ মেয়ে ছিল, ওই মেয়েটা যার মেয়েটা নিয়ে কথা হলো, মেয়েটা এখানকারই ছিল, তিন গোল লড়কা ছিল। মেয়ের নাম রুকমানি বক্সি। ঘটনাটা এখানে আমি ইনফরমেশন হওয়ার পরে আসি এখানে, এসে দেখি এখানে যতটা পাবলিকের কাছে শুনে এখনো পর্যন্ত জানতে পারছি, আমাদের আড়ডাঙ্গারি লোকাল এক বাসিন্দা অমর সিং বলে, যথেষ্ট বয়স্ক, মোটামুটি 65+ তার এজ হবে, আর আড়ডাঙ্গারি একজন মেয়ে, তার নামে সে তার বয়ফ্রেন্ড হোক বা যেই হোক আমি জানি না কনফার্ম, কোনো ছেলেদের সঙ্গে এখানে ছিলেন, সেটাতে ফটো তোলা হয় বা তাকে দেখে এখানে পুলিশ ফাঁড়ির পাশে, সেটা নিয়ে একটা তাদের মধ্যে সেই টাইমে দুপুরবেলা প্রায় 3:30-4টার সময় ঝামেলা সৃষ্টি হয়। এক্সাক্ট এখনও কী হয়েছে জানতে পারছি না। পাড়ার লোকের বক্তব্য হচ্ছে যে তাকে পাড়ার বিভিন্ন এরিয়ায় দৌড়ে দৌড়ে তাকে মারা হয়, এবং এত হাই এজ থাকার পরে তাকে, সে যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তাতেই তিনি মারা যান। না, ওনার বাড়ির লোক সবাই হসপিটালে, এখন তো উনি মারা গেছেন, ওনার বাড়ির সব ফ্যামিলির লোক এখন বর্তমানে হসপিটালে রয়েছে। পাড়ার লোকের বক্তব্য যে এখানে আড়ডাঙ্গা যে মেয়েটির সঙ্গে মেয়েটি এটাতে ইনভলভ ছিলেন, সেই তার বয়ফ্রেন্ডরা বা তার সঙ্গে অন্য কোনো ছেলেরা ছিল যারা এসে ওই ভদ্রলোককে অত্যাচার করে, এটাতে আড়ডাঙ্গার কোনো ছেলে ইনভলভ ছিল না বলে এখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি। বাকি পুলিশ এসছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে, পুলিশ প্রশাসন যা ডিসিশন নেবে সেটা হবে। আপনারা কি চাইছেন, যারা এই দোষী আছে তাদের কি হবে? যারা দোষী আছে, একজন বয়স্ক লোক মারা গেছে, যারা দোষী আছে তাদের অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত, এবং এই ধরনের যদি ওনার নামে বয়স্ক লোকের নামেও যে ব্লেম দেওয়া হচ্ছে যে ফটো তুলেছেন বা কিছু, কিন্তু সেটার তো প্রপার জাস্টিফাই হওয়া উচিত, তার জন্য পুলিশ রয়েছে, প্রশাসন রয়েছে, বা আমি কাউন্সিলর হাজব্যান্ড কাউন্সিলর রয়েছে, লেডিস কাউন্সিলর রয়েছে আমাদের ওয়ার্ডে, তার কাছে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এইভাবে যদি নিজের মানুষ যদি নিজের হাতে প্রশাসনিক ব্যাপারটাকে তুলে নেয় তাহলে তো মুশকিল। উনি এখানে যদি কোনো রকম যারা দোষী, যারা বাইরে ছেলে ঢুকে এখানে ইনভলভ হয়েছে, এটা আমি চাইছি পার্সোনালি যে এটা, এবং পাড়ার লোকেও চাইছে যে এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হোক এবং যে দোষী তার বিচার করা হোক। আমার নাম রাজু বিশ্বাস, লোকাল কাউন্সিলর মৌমিতা বিশ্বাসের হাজবেন্ড। এক কুছ এক লড়কি হ্যায় হামি লোক মহল্লে কি উসকে সাথ মে কুছ আর কুছ দো তিন লড়কে আয়ে থে জো কি ওয়াহা পে কুছ গলত ইয়া কুছ কর রহে থে তো ও আদমি ওয়াহা পর কুছ উসকা ফোটো খিচনা চাহা তো ও
फोटो नहीं खींचा, फिर भी उसको वो परेशान कर रहा था लड़की लोग, और उसके बाद उसको दौड़ा दौड़ा के उसको यहाँ पे इस तरीका से मारा गया। क्योंकि अब ये इतना बड़ा ग्राउंड में मुंह मार में मारा गया, उसका सीना में मार के उसको यहीं पर स्पॉट कर दिया गया। तो इस तरीका का ये क्राइम है, इसको नहीं बंद किया जाएगा। तो ये दिन पर दिन यहाँ पर जो बच्चा लोग खेलने के, ये खेला साथी मार्ट है देखिए, यहाँ पर बच्चा लोग खेलने आता है, और इस तरीका से ये घटना होगा तो कोई भी बच्चा अपना गार्जियन किसी को नहीं भेज पाएगा। इसको हम लोग पुलिस से बहुत जल्दी चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा कुछ ना कुछ इसका कार्रवाई हो। हम लोग चाहते हैं कि, और यहाँ पे जो हम लोग का कुछ गलत काम भी होता है उसके लिए पुलिस से हम अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर रोज आके एक बार रेड मार दिया जाए। क्या गलत हो रहा है यहाँ पे? हीरोइन चलता है, बहुत सारा दो नंबरी काम चलता है, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा बंद किया जाए। यहाँ पे हीरोइन, गांजा, यहाँ पे बहुत सारा बाहरी लड़का लोग, हम लोग का नहीं, इसी बाहर बाहर का भी आदमी लगा के इसको यहाँ पे ये करता है। उसको किसी तरह हम लोग चाहते हैं कि बंद हो, क्योंकि यहाँ का आदमी बच्चा जो खेलने आता है वो आराम से खेल सके, इस तरह का फिर कभी नहीं हो ऐसा क्रम। पूरा बंद होना चाहिए, नशा आज तो नशे के नहीं, आज तो लड़की आई तो क्या हुआ था आज समझ में पता नहीं है, वो लड़की आने के बाद ही पता चलेगा। वो तो मार के भाग गए यहाँ से, उनके साथ दो लड़के भी थे। अब क्या कर रहे थे ये, वो वही आदमी देखे थे जिनको वो मार दिए हैं, और कोई दूसरा जानता नहीं है इस बारे में अभी। ये लड़की कौन था? ये लड़की बस यहीं पे रहते हैं, हम लोग आरा डगाल में सामने में ही। उनका नाम क्या? अमर सिंह। अमर सिंह। मेरा नाम चंकी सिंह। আমি পুরোপুরি এখানে এসে যেটা শুনলাম যে অমর মারা গেছে, আমাদের তৃণমূলের পার্টির ছেলেও বরাবরই, আমি দৌড়ে এলাম। তারপরে ওর মিসেস বললেন, নিদি যে আমরা ভাত টাত খেয়েছি, তো দুজন টিভি দেখতে বসছিলাম, হঠাৎ ওই চারটের সময় বলছে বাইরের দিকে গেল। ও তো আড়াডাঙায় থাকতো, বাইরের দিকে গেল। তখন বাইরের দিকে যাওয়াতে তো বলছে, তারপরে না আধ ঘন্টার মধ্যে দৌড়ে ঘরে চলে এসছে, এসে বলছে আমার ভেতরটা কিরো আনচান করছে, ব্যথা হচ্ছে বুকে টুকে, আর মুখে গ্যাজেলের মতো বেরোচ্ছে। তখন ওর বউ যেটা হয় স্বাভাবিক ফ্ল্যাট করে শুয়ে দিয়েছে, শুয়ে জল টল দিয়েছে, পাখা ফ্যান ট্যান খুলে দিয়েছে। খুলে দেওয়ার পর বলছে কিন্তু ওর অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিলো। তখন আশেপাশে লোকদের ডেকেছে, অটোতে করে মানে হসপিটালে ভর্তি করতে যাচ্ছিলো, আড়াডাঙ্গা থেকে হসপিটালে। তারপর মাঝখানে বলছে ও, ওর মিসেস যেটা বলছে যে ও রাস্তাতেই মারা গেছে। ও ছেলে এখানে, অরিজিনাল বাড়ি এখানে কোন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাড়ি, আমার বাড়ি এখানে ওর বাড়ি। তারপরে 46 নম্বর ওয়ার্ড, আমার 46 এখানেই থাকে। তো কোনো কারণবশত সে অন্য জায়গায় শিফট করেছিল। 46 আমার ওয়ার্ড নাম্বার। এরা চাইছিল যে ডেড বডি সৎকার করার জন্য, কিন্তু এরা যেহেতু পুলিশ কেস হয়ে গেছে, সেহেতু আমি তো ওসিকের সাথে কথা বললাম, উনি বললেন যে দিদি এটা যদি হসপিটালে না নিয়ে গিয়ে অ্যাডমিট যদি না করায় আমরা কেস নিতে পারবো না, আর ওরা ডায়েরিও দিতে পারবে না, মানে জিনিসটা ফয়সালায় হবে না, ওই জন্য ডেথ সার্টিফিকেট পাবে না, কিছুই পাবে না, তার জন্য ওকে হসপিটালে নিয়ে যেতেই হবে। আমার নাম শিখা ঘটক, কাউন্সিলর 46। देखिए घटना के बारे में हमको सटीक मालूम नहीं है, बात समझे, हम दुकान में थे उस टाइम में, हमको घर से फ़ोन आया कि भैया गिर गए हैं, आप हॉस्पिटल आइए। जब यहाँ आने के बाद में जब पता लग रहा कि वो यहाँ डेड कर गए हैं, उसके बाद में यहाँ से हम लोग उसको घर ले गया। घर लेने के बाद में वहाँ का आदमी लोग सब बोल रहा कि ये ऐसा ऐसा एक केस है, कोई लड़की का ऐसी फ़ोटो के लिए क्या हुआ रहा, और उसको अपना बॉयफ्रेंड लोग को फ़ोन किया, लोग आया मारा है, मारने के बाद में वो अपना घर गया है, अपना वाइफ को बोला है कि हमको कैसा लग रहा, हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो बोले क्या हुआ पानी पीजिए, तो वो बोला कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो एक जो नाक में ऑक्सीजन लेता है आदमी, वो ऑक्सीजन किसी ने ला के दिया, उसके बाद में हमको बोल रहा कैसा लग रहा, तो उसके बाद में वहाँ के आदमी लोग लेके आया एलम हॉस्पिटल, यहाँ पर आया तो वो डेड कर गया। घटना यही है, और बाकी जो है वहाँ का काउंसिलर आई थी, वहाँ का काउंसिलर देख के किया है, और काउंसिलर से भी मेरा अनुरोध है, और थाना से भी, कि इसका जो उचित है उचित जानकारी लेके इसका उचित कार्रवाई किया जाए, कहीं इस तरह का घटना दोबारा नहीं घटे। एक बुजुर्ग आदमी ऑपरेशन कराया आँख का, 20 दिन हो रहा, कल चश्मा लाने जाने वाला रहा है, इसीलिए हमको विशेष अनुरोध है थाना और काउंसिलर से। हमारे काउंसिलर शिखा घोटक ने भी बयान दिया है, इस बयान पर मैं अनुरोध करता हूं थाने से और बार बार और काउंसिलर से, इसका उचित विचार करके उचित कार्रवाई किया जाए।
जब दोबारा ऐसा घटना ना घटे किसी के साथ। आप लोग क्या एफआईआर करेंगे? हाँ एफआईआर कर रहे। आप लोग का जो किसका अगेंस्ट में एफआईआर करना चाह रहे हैं? वो हमारा भाभी गिया थाना, पता नहीं वो किसका अगेंस्ट में क्या किया नहीं किया, भाभी गिया हुआ है, वो भाभी वहाँ से आएगा थाना से तभी पता लगेगा। मेरा नाम विजय सिंह। आपको क्या लगता है? हमको कुछ पता नहीं लगता है। किस वजह से? वो वजह तो वो लोग थाना खोज के निकालेगा, काउंसिलर पता लगाएंगे। बाकी हमारा बड़ा भाई है वो, हम उसका मझला भाई है। আমার কাছে ওই রকম শুনলাম আমি, ওখানে আমাদের যে কার্যকর্তারা আছে তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম, যেটা শুনলাম কোনো একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা, হয়তো উনি দেখে ফেলার জন্য ওনাকে রাস্তার মধ্যে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে মেরেছে এবং তার ফলেই উনি এই অবস্থা আর কি। তো আইন শৃঙ্খলার অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে যে হয়েছে আর কি আপনারা জানেন, আসানসোল এইরকম ব্যাপার, এতক্ষণ ধরে তো নাকি কেস হচ্ছিল না কিছু না, এইরকম ব্যাপার। আমরা গেছিলাম, আমাদের কার্যকর্তারা সবাই গেছিলেন, পরিবারটার পাশে আমরা রয়েছি। আমরা চাই যেন উপযুক্ত শাস্তি হয় যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, যারা যাদের দ্বারা এই ঘটনা ঘটলো তারা যেন আইনের শাস্তি পায়। আইনের উপর আমাদের আস্থা আছে, এখনো পর্যন্ত আছে, দেখা যাক। আশা করি আসামি যারা আছে তারা ধরা পড়বে। যদি আছি একদম পরিবারের সঙ্গে আমরা এতক্ষণ ধরে আমরা রয়েছি, ওর বাড়িতেও ছিল আমাদের সবাই, আমি এলাম দেখে গেলাম এরকম, এখন একবার থানায় আমরা যাব, ওখানে কি কমপ্লেনটা হচ্ছে কি ব্যাপারটা আছে এটা একটু দেখার দরকার আছে। কালকে পোস্টমর্টম হবে, তারপর পরবর্তী দাবার কালকের পর আমরা রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নেবো কী হয়েছে না হয়েছে। প্রথম পরিচয় হচ্ছে যে একটা সাধারণ মানুষ, আসানসোলের নাগরিক, এইভাবে রাস্তার মধ্যে এরকম দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে লোকে মারবে, তা আইন শৃঙ্খলা কোন জায়গায় গেল? আইন শৃঙ্খলাটা কোথায়? এইভাবে এইরকম জিনিস হবে রাস্তার মধ্যে? এবং অভিযোগ করতে ভয় পাচ্ছে, অভিযোগ করতে মানা করা হচ্ছে, অভিযোগ চাপ দেওয়া হচ্ছে বিভিন্নভাবে, আমরা খবর নিয়েছি, আমরা খবর পেয়েছি, বাধ্য হয়ে এলাম, দেখতে এলাম যে ব্যাপারটা কী, যেন সঠিকভাবে এটা তদন্ত হয়। আমিও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছি, আবার কথা বলবো। আমরা মারাত কো মারা ইসিলিয়ে আয়, আর কোন মারা হাম তো দেখে নেই, ও আপ লোকের জিম্মেদারি হ্যায়, আপ লোক দেখিয়ে খোঁজিয়ে। আপ লোক থানা মে কাপ্তেন কি? হ্যাঁ। থানা কে বলে? থানা বলে কি হাম দেখ রহে হ্যায়। আজ কিতনে বজে কি ঘটনা হুই হ্যায়? এ 4 বজে কে। ক্যা নাম? হামারা মীরা সিং নাম হ্যায়, হামারা হাজবেন্ড কা অমর সিং। अभी लगा लो मुझे चाहिए कि सीसी कैमरा से वहां से निकाला कि कौन है नहीं है वहां पर। আজ কে যে ঘটনাটা হয়েছে সেটা ধরুন আমাকেও, আমিও লোকের মুখে শোনা শোনা ঘটনা। এবার যে ঘটনাটা হয়েছে ওটা তো মর্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা। এখন এসেছিলাম আমাদের পাড়া থেকে কিছু জয়েন্ট পিটিশন দেওয়া হয়েছে, আমি সেই সূত্রে এখানে আসা, আর ওনারা আমাদের ওখানে ভাড়া থাকতেন, তো যেহেতু খবরগুলো পাই সেই জন্য ও জয়েন্ট পিটিশনটা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। অভিযোগ আছে কি পিটিএ মারা হয়েছে? হ্যাঁ পিটিএ মারা, দেখুন আমি তো প্রত্যক্ষদর্শী নই, তাদের মুখ থেকে শোনা কথা যে এটা পিটিএ মারা হয়েছে। আমার মৌমিতা বিশ্বাস, কাউন্সিলর 40 নম্বর ওয়ার্ড। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गार्मेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गार्मेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ, नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान, स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए, नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अबकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीडी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल,
ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर शेरांगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में एचयू व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर CBSE बोर्ड। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। अगर आपको तलाश है अपने बच्चे के लिए एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है मुदा पाइपलाइन रोड, काला झरिया, बर्नपुर। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास, सिद्ला मोड़, ADDA, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सागर दीघी जमनी इंतखाब में कांग्रेस की जीत का जश्न आसनसोल में भी मनाया गया। MLA जो 40 दिन से बंद पड़ा है अदालत के जरिए, जो यहाँ का चोर गुंडा क्लास 8 पास करोड़पति, गुजारिश है कि तृणमूल कांग्रेस जो ये कहती है कांग्रेस कोई ऑप्शन नहीं है, अगर यहाँ केवल कांग्रेस और बीजेपी ऑप्शन नहीं है, अपने इस इलाके के काउंसिल को आवाज दूंगा कि आज के वो सागर दीघी जमनी चुनाव में जीत के मुतालिक कुछ बात रखे। सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता को ये जो जीत हुई है, ये कार्यकर्ता की जीत है, सेकुलर आवाम की जीत है। बहुत दिनों से लोग ममता बनर्जी को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, कभी मोहन भागवत के साथ, कभी RSS के साथ, जिस तरीके से मगरबी बंगाल में लोगों को दिक्कत में हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस CPM का जोड़ आज सागर दीघी में एक दिशा दिखाया है पूरी मगरबी बंगाल के लोगों को, जो मामला मगरबी बंगाल में टीचर घोटाला से लेकर उर्दू के साथ बेइंसाफी, रोजगार नहीं,
घपला और घोटाला की सरकार, उसके खिलाफ में लोगों ने सागर डिगी में एक मैंडेट दिया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के सागर डिगी का जो उपचुनाव का रिजल्ट हुआ, वहां के आवाम ने साबित कर दिया कि ये दोनों बीजेपी और तृणमूल दंगाई पार्टी को किस तरह से बंगाल एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके हर तरह के घोटाले में रहकर बंगाल को, मगरी बंगाल को बर्बाद करने की कोशिश की गई है। मगरी बंगाल टीएमसी के कैंडिडेट को हराकर जीत दर्ज किया है। आज मगरी बंगाल सरकार को तीन तरफ से तमाचा निकला है, तमाचा मारा गया है। साथ सिद्दीकी को या तृणमूल कांग्रेस एक एमएलए को 40 दिन से बंद करके रखी। गुंडा क्लास 1 पास करोड़पति तृणमूल का नेता आज तिहाड़ जेल का उसको जाने का ऑर्डर मिल गया है। पूरे मगरी बंगाल के पैमाने पर तृणमूल के खिलाफ आवाम रास्ता पर उतर चुके हैं, जिसका नतीजा है 27,500 वोटों से जीतकर मगरी बंगाल के असेंबली में तृणमूल के गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार होके लगातार मगरी बंगाल में 8,500 स्कूल को बंद करने वाला तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में। ये कांग्रेस का जो रिजल्ट हुआ है उस खुशी में ये प्रोग्राम है। कांग्रेस का ये जो नतीजा है उस नतीजे का ये असर है। लोग ये समझ रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस ही माने कोई बदल नहीं है, तो आज ये साबित हो रहा है कि माइनॉरिटीज जब सीपीएम के साथ 34 साल रहा तो ये सीपीएम बरकरार रहा, अब ये माइनॉरिटीज तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सीपीएम और कांग्रेस के साथ मिलकर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार है, और वो मुकाबले का नतीजा आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देखा कि जमनी चुनाव में, यूं तो जमनी चुनाव के नेता हमेशा सरकार पक्ष के फेवर में आते हैं, लेकिन आज मगरी बंगाल के सत्ता में देखा है कि सागर दीघी के मुर्शिदाबाद के जिला का एक कंस्टिट्यूंसी जहाँ पे 65% मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस जो मुस्लिम आबादी का सबूत देती है, वहाँ के मिनिस्टर को जीत, मिनिस्टर के मरने के बाद जो सीट खाली हुआ, यहाँ वहाँ तृणमूल के तमाम मिनिस्टर, तमाम एमपी, तमाम सेलिब्रिटीज को भी दाव में लाया कर आज वहाँ के आवाम ने साबित किया है कि खासकर के मुस्लिम कैंडिडेट वोटरों ने ये साबित किया है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का मिली भगत से बंगाल के अमन शांति को बिगाड़ने का कोशिश किया, जो बेरोजगारी को बढ़ाने का जो ये हुआ है, इसके खिलाफ में वहाँ के आवाम ने आज साबित किया है। कांग्रेस के सीपीएम के समर्थित कांग्रेस के कैंडिडेट बायरन बिस्वाल से 27,500 वोटों से आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में एक बड़ा कदम है। हम लोग, हमारे नेता, तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चोट को बरकरार रखते हुए पंचायत चुनाव जो आने वाले दिन में होगा उसमें भरपूर हम लोग इसका अपने एकजहती का मुजाहरा करके मगरी बंगाल के अमन शांति को बचाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका आपका नाम परिचय? मोहम्मद सलाउद्दीन, एरिया कमेटी मेंबर, बंगाल। सागर दीदी से एक आवाज लगाया और दीदी से पूछ रहा है कि दीदी आप अपना रुख को साफ करिए, आप आरएसएस, बीजेपी या मोहन भगत के साथ है या मगरबी बंगाल को 35% से ज्यादा जो माइनॉरिटी भाषा बात करते हैं उनके साथ जो छलावा धोखा दे रही है। सागर दीघी ने एक जवाब दिया है कि अगर आप सुधर नहीं पाए, अगर आप उर्दू का हक नहीं दे पाए, अगर आप माइनॉरिटी का हक नहीं दे पाए, आप मगरबी बंगाल में दबे और कुचले हुए लोगों को अगर हक दबाएंगे तो सागर दीघी की तरह अंजाम पूरे मगरबी बंगाल में आने वाले दिन।